रीस्टार्ट होने के बाद ये अपडेट हो गया होगा। चलिए अब आपको मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। इस तरह से आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा 22621.57। तो इस तरह से आप इसको अपडेट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इस अपडेट के अंदर क्या क्या नया फीचर आया है, क्या क्या बग फिक्स हुआ है, वो सब देखेंगे। इस अपडेट में एक नया फीचर आपको दिख जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर के अंदर दिख जाएगा। यहाँ पे रैनसम प्रोटेक्शन के लिए एंड पॉइंट एबिलिटी आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे ऐड कर दिया है। ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई कर देगा, एडवांस अटैक होने से को बचाएगा। तो इस चीज को यहाँ पे नया ऐड किया है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक नया चीज दिख जाएगा, यहाँ पे SMB कंप्रेशन को यहाँ पे ऐड कर दिया। यदि आप सर्वर यूज करते हैं या कॉन्फ़िगर करते हैं, आप कोई भी डाटा आप ट्रांसफर करते हैं तो ऑटोमेटिक उस फाइल को कंप्रेशन कर देगा, यानी छोटा साइज कर देगा। तो एक नया फीचर यहाँ पे ऐड किया है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक नया फीचर दिख जाएगा VLAN के अंदर। यहाँ पे जो बैंडविड्थ स्टोरेज का जो लो नोटिफिकेशन आता है वो एरिया यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे ये चीज नया आपको दिख जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको नया फीचर दिख जाएगा, यानी यूजेज हिस्ट्री का। अब आपको यहाँ पे डिटेल दिख जाएगा। मान लीजिए किसी ने कैमरा यूज किया है, उसका यूजेज हिस्ट्री आप देखना चाहते हैं तो कैमरा के ऊपर आप क्लिक करके यहाँ पे रिसेंट हिस्ट्री दिख जाएगा। यहाँ से क्लिक करके आप यूजेज हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। इसी तरह आप जिस चीज को भी चेक करना चाहते हैं यूजेज हिस्ट्री, तो यहाँ से आप जिस डिवाइस को, यानी जैसे मान लीजिए ईमेल के लिए चेक करना हो, कैलेंडर के लिए चेक करना हो, फोन कॉल के लिए चेक करना हो, कॉल हिस्ट्री चेक करना हो, माइक्रोफोन के लिए चेक करना हो, वॉइस एक्टिविटी के लिए चेक करना है, तो कोई भी चीज यदि आप यहाँ से हिस्ट्री देखना चाहते हैं, यूजेज हिस्ट्री देखना चाहते हैं, तो यहाँ से आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ केसेस में क्या आता था, यहाँ पे ब्लैंक आता था। यहाँ पे कुछ केसेस के अंदर यदि आप यहाँ पे क्लिक करते थे तो ब्लैंक एरिया आ जाता था, तो इस इशू को यहाँ पे फिक्स कर दिया है। इसके बाद यदि आप नेटवर्क ड्राइव से कोई फाइल कॉपी करते थे तो उस टाइम पे एक एरर आता था 0x800700026। इस तरह का एरर यदि आपके केस में भी आता है तो ये एरर अपडेट होने के बाद फिक्स हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको एक दिख जाएगा sealhosted.exe, यहाँ पे CPU यूजेज हाई कर रहा था तो इस इशू को यहाँ पे फिक्स कर दिया है। इसके बाद यदि आपके केस में ऐप भी क्लाइंट सर्विस ऑन है तो यहाँ पे लीकेज का प्रॉब्लम होता था, यानी मेमोरी लीकेज हो रहा था, तो इस इशू को भी यहाँ पे फिक्स कर दिया है। तो यही मोटा मोटा अपडेट था जो मैं आपको बता चुका हूँ। और भी इसके अंदर बहुत सारा बग फिक्स किया है, तो आपको क्या कहना, इसको जरूर आप अपडेट कर लीजिएगा। और प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।